1973 के ईस्वी में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने आधिकारिक रूप से यहां पर अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया था। और इसी स्थापना दिवस के एक साल के बाद भी मेरा भी जन्म दिवस पड़ता है, 74 का जन्म दिवस है मेरा। और मुझे काफी गौरव महसूस हो रहा है कि आज आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के रोपे हुए उस पेड़ के जड़ को पानी देने का मुझे मौका मिल रहा है। अड़ी सौभाग्रिया कथा कना तहन इंग लगी तेहना दिन खोए मी बछर बाद गे यहाँ जन्म हुई लेना ओको बड़ा शरीर से एड़े उन जो आप हड़ को उन्हें ऑल पढ़ाओ बाको ताहन कानता है ओको बड़ा तुम नवा बछर रे गे यहाँ जन्म हुई कानता है लेकिन कागज रे तो 1974 ऑल करना और 1973 रे नोडे पार्टी रे दारे बन रहो लिदा और उना दारे नुआ 50 बछर रे इना लटुई ना इना लटुई ना और आबोरन गुरुजी आर नौका के जा आबोरन आंदोलनकारी को सम्मानित के कोआ नोंडे उनकु नुआ दिसम रे दणा दणा कते नुआ दारे उमुल इना लटु को और इना ओसार के दा को कि तहन झारखंड मुक्ति मोर्चा रिया रहे लगभग झारखंड रिया सना मातु सना मोड़ा थे सटे रखा आर नुआ दारे उमुल रे पूरा झारखंड दिसम रे तहनानी मूलवासी आदिवासी को उमुल करा आज आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और अपने आंदोलनकारी सहयोगियों के बदौलत आज इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस पेड़ को इतना बड़ा किया कि झारखंड का मूलवासी आदिवासी आज उस पेड़ के छांव में सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने के लिए बरसों से इस तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। अलग अलग जिलों में अलग अलग बरसों में स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस प्रकार आज 50वां स्थापना दिवस आज गिरिडीह जिला का है और इस दौरान ना जाने कितना हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही आंदोलन के क्रम में शहीद हो गए ये कहना बड़ा मुश्किल। हर चौक चौराहे में कोई ना कोई शहीद का फोटो शहीद का मूर्ति और फोटो नहीं है मूर्ति नहीं है तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगा हुआ कोई चौक चौराहे जरूर आपको मिले। बड़ा विचित्र है ये झारखंड प्रदेश। मुझे लगता है इस देश का एक सबसे अलबेला राज्यों में से एक है। जैसे भारत का इतिहास है चाहे वो भगत सिंह हो
सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, बाबा भीमराव अंबेडकर हो, अनेक ऐसे लोग इस देश के इतिहास के सुनहरे पन्नों में उन लोगों ने अपना नाम लिखाया और देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई। उसी प्रकार मेरा यह भी मानना है, इस झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार के लिए जिस प्रकार हमारे उन महान विभूतियों ने अपनी संघर्ष को पूरा दुनिया तक लोगों ने जाना, उसी प्रकार हमारे इस झारखंड में भी, चाहे वो तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, नीलांबर पीताम्बर हो, विनोद बिहारी महतो हो, एके राय हो, आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन ही क्यों ना, ऐसे अनेक लोगों का भरमार इतिहास है और मुझे नहीं लगता है ऐसा इतिहास किसी और राज्य में मिलेगा। जब देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारा पूर्वज लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता था यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है, इसीलिए आज हम मान सम्मान से, भले कमजोर है, गरीब है, पिछड़ा है, लेकिन हम उस मिट्टी के पैदाइश हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी ने जन्म लिया, और हम उस मिट्टी के सपुत्र हैं और उसके बेटे हैं जिन्होंने इस राज को एक संघर्ष का एक अपना अभिभावक माना। संघर्ष को हम लोगों ने हमेशा से अपना एक परंपरा, संस्कृति बना रखा है। जब जब हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब जब हम पर कभी शोषण या अनेक प्रकार के चुनौती हमें मिलती है, तो झारखंडी कभी भी चुनौती से घबराया नहीं, बल्कि हमेशा चुनौतियों को बड़ी मजबूती से लड़ा और चुनौती को उन लोगों ने पार करने का भी काम किया। आज यहां के मूलवासी आदिवासी, हमारे सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का देन है और उनका आंदोलन और झारखंडियों का जो एकजुट आवाज, इस बात का गवाह है कि जब देश में कोई विदेशी राज कर रहा हो, उन विदेशियों के हाथ से झारखंडियों को और झारखंड को बचाने के लिए इस राज में, इस देश में सीएनटी और एसपीटी कानून बनाने के लिए मजबूर किया गया। हम लोगों ने उन अंग्रेजों से सीएनटी एसपीटी कानून बनवाया ताकि यहां का मूलवासी आदिवासी सुरक्षित रह सके, यहां का जल जंगल जमीन बच सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े बड़े नीति निर्धारण वाले लोग, पढ़े लिखे पूंजीपति लोग बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारे उस सुरक्षा कवच को भी तोड़ने में लगे रहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं कभी कभी। हम जब तक लड़ाई लड़ते हैं तब तक वो हमें इतना नुकसान कर जाता है कि उसको जब तक हम भरपाई करते हैं दूसरा घाव लगा देता है। निरंतर ये संघर्ष और ये शोषण के विरुद्ध झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में के नेतृत्व में संघर्ष होता रहा है। कितने अंग्रेजों को
यहां के आदिवासियों ने उन लोगों को बाहर खदेड़ने का काम किया, चाहे संथाल हूल का बात करें, चाहे कोल विद्रोह का बात करें, चाहे खरसवा गोलीकांड की बात करें, अनेक ऐसे इतिहास मिलेंगे। हम लोग तो भारत के इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन यहां इस झारखंड में तो कई ऐसे जगह हैं जो जलियांवाला बाग से भी बड़ा घटना घटा है। हमारा ये झारखंड का इतिहास, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास से भी बड़ा इतिहास है। ये हमें समझना होगा, हमारे उस संघर्षशील पूर्वजों के उस बलिदान को हमें याद करना होगा। जिस तरीके से आज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर यह देश चलता है, उसी प्रकार हमारा इस झारखंड का भी मान सम्मान वजूद यहां के हमारे खतियानी लोगों के खतियानी पहचान से है। आज कुछ बाहरी ताकत फिर से हमला बोलने शुरू कर दिए हैं, राज अलग करने का सपना और राज अलग करने का सोच जब गुरुजी ने देश को राज के लोगों को सुनाया तो लोग हंसने लगा। कभी राज अलग थोड़ी होगा, ये तो असंवैधानिक बात है, हंसी उड़ाता था और हमारे आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, अनेक लोग आंदोलन के क्रम में उनको उग्रवादी कहकर के जान से मार दिया गया। आज भी उसका दर्द हम लोगों के सीने में है। जब जब गरीब गुरुआ अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ता है, ये देश का इतिहास का कहानी से ये शुरू चलता आ रहा है, जहां आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो ये पूंजीपति और सामंती लोग, बड़े बड़े जो निर्माता लोग हैं, बड़े बड़े जो पैसों का जमात वाला लोग है, हमारे उस आंदोलन को असंवैधानिक बोलता है, गलत बोलता है और हम पर अत्याचार करता है। हमारे सोच और हमारे आंदोलन को असंवैधानिक बताता है और यही काम अगर उन लोग करता है तो लोग संवैधानिक उसको बोल देता है। लेकिन चिंता मत, आदरणीय गुरुजी ने जिस सोच और जिस लक्ष्य के साथ अलग राज का सपना देखा था, अलग राज भी हुआ और वो संवैधानिक भी बना। इसी प्रकार हमको फिर से अपना संघर्ष छोड़ना नहीं है, बल्कि उस संघर्ष को अपने सीने से लगाते हुए अपने पूर्वजों का वो सपना है उसको पूरा करने तक हमें अपना संघर्ष जारी रखना होगा, चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता में ना रहें। क्योंकि सत्ता में भी आज के दिन में बहुत ऐसे पुरानी व्यवस्थाओं के साथ उन लोग लुक छुप करके बैठा पड़ा है जिसको पहचानने में अभी वक्त लगेगा। राज अलग नहीं होगा, राज अलग हो गया तो बोला सरकार नहीं बना पाएगा, ठीक है बोला सरकार नहीं बना पाया, हम लोग 20 साल क्या किया। राज बाबुंजाम के 30-40 बछौर आयमा हड़ को गोई चबाइन था बोना तुम्हें राज बुंजाम की था और राज जाम कते चे एटा हड़ को ने मकवा नोआ राज जा हड़ नोआ अबो चितारो को सासो ने बनता है उनको नोआ राज बोने मकवा 20 बछौर उनको को राज के दा अरसनाम नोआ दिसोमरे आ रहा उनको बारे रन हॉर हांडे नोडे आउ गते को दुलू फिट के कुआ अनुंका को
आधेर के को अनुकूलित बाहरे उड़ूक लगी हो मुश्किलों का नुआ 20 मछोरे इना शोषण इना तबाही हुई इना डबल इंजन रिया सरकार ताहले ना नोंडे नोंडे हॉर राशन कार्ड साफ साफ करते होड़ को गोए का नारंगे करते आप और इन गिदर पिदर को लगी ऑल पढ़ाओ यार नियम कानून बाग नोंडर एंड मूल वासी आदि बसी को लगी नौकरी चाकरी रिया नियम कानून बाग चेहो बाग को बिना लेता सनाम बारे रेन होड़ को है ना आरो ना दुआर ते जाए मा जाएगा कुरे नौकरी चाकरी रिको बोलो ठीक ना जब नुआ स्थिति हुई ना सनाम से नारो पहिल लिखा के जाल का रार या आजमो साढे आजमो कांता है कि हांते होड़ को दाले को अनुआ से होड़ को दाले को हांते पुलिस रिया गोली ते को गुलिया वे को आय मा सनाम सेन को आजम आजम हुई ना भाई राज बिगारे ना फिर नुआ को चलेगी हुई कना भाई तो बे आखिरी रे आरो 2019 रे आरो झारखंड मुक्ति मोर्चा रे होड को दुडू इना फिर नुआले कथाले गुटा के दागी भाई नुंका द बांग हुआ राज नबो न्याम के राज न्याम कते आबो हक अधिकार न्यामो लगती ताहल ला साला नी तो ठेंगा के बोन न्याम दा नी तो गोलिया गोली गोली को बो गोली ते को गोये बोना तेल का हुआ बांग हुआ मां नी सरकार रे बोन खराबा सरकार आ चोट मची रे बोन दा जो आ ओना लगी ते मिटंग अडी लट्टू मिटंग संघर्ष यात्रा युडुक लेदा आतू आतू दिसोम दिसोम दड़ा लेना तो अबे नोआ लड़ाई रे 2019 रे बोन जितावे ना आ नीत नोआ मुख्यमंत्री रे पहिल धाव 20 बछोर रे नोंडर एंड मूल वासी आदिवासी मुख्यमंत्री दुडू काना नुकुओ को दुडू ले दिया मिटंग बारिया नोंडर एंड मूल वासी होड़ को एखेन चेहरा को दुडू ले कोआ लेकिन उनको तानो में रेटा होड़ को ताहले ना बारे रे दिसाई पे सनाम कौन पहल बाबूलाल मरांडी नोडे मुख्यमंत्री ताहले ना है बार पे बच्चन मुख्यमंत्री को दुडुक के दिया फेड के दिया को तार पर अर्जुन मुंडा को दुडुक के दिया एके नाबो को दिग भ्रमित है बना कि मैं आदिवासी नेता बंदुडू का कुआ लेकिन उनको ताइरम रहे नुकु कुमड़ू को दुडू कांता है आरो उनको बार पे बछौरे को फेंट के दिया आर मोड़े बछौर को यह नोने रहे झारखंड रहे मूलवासी आदिवासी बको मोड़े बछौर को पूरा होगा सरकार चलाओ कते जब नोआ आबोआ सरकार बिना हो ना तो इन्हों यह पर हांडे नोड़े कौन परेशान बड़ा कते कुर्सी कौन फेंट लगी को लगाओ का ना लेकिन इना मोच तीन तौल दो होगा को होड़ कि हांडे नोड़े कौन कोशिश ते हो उनको बाको दाड़े आई करा नीत थे अनीत इना परेशान रहे बना कुआ कि चिका लिखाते दुई बन फेड़े या चेदा कि नुकु को बढ़ाया